तो लूप ऑफ हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुढ़ाओ ने सामने से शयुएन से बोला था, चल फोर्विडर एरिया के अंदर, हम तुझे वहां पे पहुंचा देंगे, वहां पे ढेर सारे सामान मिलेगा। और क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर ब्लड फ्लावर नाम का एक फ्लावर होता है, बताता है जो पत्थर के एरिया ना भाई, पत्थर वाले एरिया में पाया जाता है। वेल हम लोग पत्थर वाले एरिया में आ चुके, आस पास चेक कर मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं है, तो डोंट वरी, तू ये जाता है फनिश को फ्लावर यहाँ पे दिख जाता है। लेकिन कभी जो चट्टान यहाँ पर ना, चट्टान ऐसा फिसलने लग जाता है और एक के बाद पत्थर यहाँ पे गिरते हैं। ये भी कन्फ्यूज, अचानक से चट्टान हिलका ही को रहा है, तो मालूम चलता है ढेर सारे चूहे वाले जो मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे ना, वो हमला करने के लिए इनकी ओर आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है फोरविडन एरिया के भाषण वाले में भाई बहन की ओर, जो कि अपने मास्टर के पास जाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में चूहे वाले मॉन्स्टर इनके ऊपर भी हमला यहाँ पे कर देते हैं। तो बहन सामने से कहती, सुनो भैया, ये जो मॉन्स्टर यहाँ पर है ना, छोटे मोटे जो चूहे वाले, उनको मारने से थोड़ा पॉइंट मिलेगा, उनके किंग को मारने पर ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे जाने से पहले और पॉइंट कमा ही लेते ताकि अपने मास्टर के लिए कोई अच्छा सा आइटम यहाँ पे भाई कर ले। जो सुंदर भाई भी कहता, ओके ठीक है, और दोनों मिलकर जो चूहे यहाँ पे थे, चूहे वाले मॉन्स्टर, उनको मारना चालू कर देते हैं। उसके बाद सीन शुरू, फॉरविडन एरिया के अंदर जहाँ पे सारे चूहे हमला कर चुके थे शयुएन की ओर, शयुएन भागता बुढ़ाओ से, कहता साले बुढ़ाओ तूने ये कहा था यहाँ पे कोई भी डेमन कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तो इतने सारे चूहे कहाँ से आ रहे, झूठ बोलेगा, गद्दारी कर बे। सामने से वो कहता, नहीं भाई सच्ची में नहीं था यार, अचानक से कैसे आ गया, आई डोंट नो, मेरे ऊपर चिल्ला मत, भागने पर ध्यान दे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है कुछ समय बाद हमारे दोनों भाई बहन की ओर, जहाँ पे उन्होंने सारे चूहों को यहाँ पे मार डाला था। मारने के बाद ना दोनों यहाँ पे खुश थे कि चलो भाई और चूहों को मार डाला, और मारने के हमें और ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट मिला, तो ये सारे पॉइंट मिला के हम लोग एक कमाल का ग्रेट ट्रेजर आइटम ले सकते हो, जो हमारे मास्टर को यहाँ पे पक्का पसंद आएगा। भाई भी कहता है, जल्दी से पॉइंट एक्सचेंज करो, सामान लेके यहाँ से निकलो। शेष होता है वापस से शयुएन की ओर, उसने भी सारे चूहों को मार डाला था, लेकिन बेचारा रो रहा था, क्योंकि जैसे वो फ्लावर लेने वाला था ना, उसी समय चूहे आ चुके थे, फ्लावर बेचारा ले नहीं पाया और भागते भागते फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गया, यानी वापस जा भी नहीं सकते। मम्मी रे यार हाथ को आया लेकिन मुंह को ना लगा। उसके बाद सीन शुरू, भाई बहन की ओर पॉइंट से ने लोग कमाल का ट्रेजर आइटम एक्सचेंज कर लेते हैं। देने वाला बंदा कहता, देखो भाई वो जो आइटम बड़ा कमाल का है, किसी और बंदे को मालूम चला ना, अटैक करके चोरी करने की भी कोशिश कर सकता है, फटाक से उसके लिए ना। ये दोनों भी कहते, ओके ठीक है, दोनों लेके निकल चुके। कहते यस भैया यार, मास्टर पक्का खुश हो जाएंगे। तभी एक लड़का लड़की, उनका ध्यान जाता है इनकी, और इनको भी ऐसा लगता है कि शायद इनके पास कोई ट्रेजर आइटम है। लड़की कहती है, देखो भाई वो लेके जा रहे, यार दोनों भाई बहन थे, दोनों एक जैसे दिख रहे थे यार, लेकिन वहां पे चले गए, मुझको चाहिए। लड़का कहता, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो चलो उनका पीछा यहाँ पे करते हैं। तो दोनों पीछा करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपने भाई बहन उड़ते हुए गए नहीं थे, वो बच्चे का फॉर्म लेके वहीं पे बच्चा बन के ऐसे खड़े होकर पूरा कांड देखे जा रहे थे। वो दोनों भी कहते, हमसे चोरी करेंगे यार, मालूम ये हिडन गेट हमारे सेट का नाम है, हिडन हमारे सेट का नाम हिडन, तो हम लोग भी छुपने के लिए बड़े स्पेशल है। वो तो मास्टर ने हमें ये टेक्निक यहाँ पे सिखा दिया था। सामने से भाई कहता, हाँ हम लोग लकी है कि मास्टर ने ये टेक्निक सिखाया, तो आज हम लोग सही सलामत है, वरना यार एक्सपोज हो जाते, वो बंदे अगर हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते तो भाई लिटरली हमें मार के ये छीन भी सकते हैं। फटाक से मास्टर के पास लौटो। बहन भी कह दिया, ये चलिए, तो अपने मास्टर के पास लौट के जो इन्होंने ट्रेजर आइटम यहाँ पे बाय किया था ना, वो देते हैं। सामने से शॉप फन के, तुम दोनों आ गए और मेरे लिए गिफ्ट भी लाए हो। सामने से बहन कहते, ये हमने गिफ्ट यहाँ पे लाया, आपको पसंद आया ना। भाई कहता, ये हम दोनों भाई बहन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, बहुत ही मास्टर को मारा, तो जाके हमें जो पॉइंट्स यहाँ पे मिले थे ना, उससे हमने ये एक्सचेंज यहाँ पे किया, पसंद आया ना आपको। वो भी कहता, अरे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो जैसे अपन गोल्डन कोर लेवल पे जाएगा ना, तो ये गिफ्ट के बदले अपन भी तुम्हारे लिए बढ़िया से गिफ्ट तैयार करेगा और तुमको दूंगा। जो सुंदर सामने से वो भी कहती है, क्या बात करो सच्ची में, तो हमको ये बताओ आप गोल्डन कोर लेवल पे कब जाने वाले हो यार, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सामने से ये कहते, क्या टाइम लग जाता है, यानी तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया ना, तुम्हारे पास फ्री टाइम है क्या? क्या ना, डेमोन की दुनिया और इंसानों की दुनिया आपस में मर्ज यहाँ पे होने वाले, जी चक्के में काफी लफड़ा यहाँ पे चालू है और डेमोन के साथ फाइट तो हो रहे, तुम दोनों भी करके आ ही रहे हो, तुम्हारे सारे डिसाइपल यहाँ पे, आई मीन तुम्हारे जूनियर और सीनियर सब यहाँ पे ट्रेनिंग करने गए, मे भी सर्कुलेशन में यहाँ पे चल जाऊंगा। जाने से पहले मैं तुमको भी कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहूंगा, स्पेशली तुम्हारे बालों को, आ जाओ। वो डर जाती है, कहते ना जी मुझे याद आया एक रियोस और ओपन हुआ है, मैं चली उसको एक्सप्लोर करने के लिए। भाई भाई वहीं पे खड़ा था। तो सामने से शाओफेन भी कहता, भाई क्या होगा, तुझे अपनी बहन के साथ नहीं जाना? ये कहता कि ना यार मुझे नहीं जाना, आपने बोला ट्रेनिंग यहाँ पे दोगे तो दे दो यार, मैं ट्रेनिंग लेने के यहाँ पे तैयार हूँ। उसके बाद सीन शुरू, कुछ समय बाद अपना शाओफेन आराम से घर के अंदर अपना कल्टीवेशन किया जा रहा था, आई मीन अपना कुछ ना कुछ बनाने का ही काम करोगा ऑफकोर्स। तभी एक और डिसाइपल आता, वो आते कहता, मास्टर 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 बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो जो बहन यहाँ पे थी ना उसको चोट लगा है। सामने से ये कहते, उसको चोट लगा यार, हल्का फुल्का सा चोट होगा, जब जब आती है ना हल्का फुल्का सा चोट यहाँ पे लगा था, चलो चेक करता हूँ, लेकिन हल्का फुल्का नहीं, देख सकते हो भाई कितना ज्यादा चोट यहाँ पे लगा है, बेचारी के मुंह से सही से आवाज भी निकल नहीं रही। देखते हुए शाओफेन यहाँ पे शौक जाता है, बहन सामने से कुछ बोलने की कोशिश करती है, भाई मना करता हूँ, कहता अभी के लिए बोलो मत, तुम्हारी को बहुत चोट लगा है, ये पिल खा लो, पिल खाने से तुम्हारी अंदर की एनर्जी यहाँ पे रिस्टोर होगी। लेकिन तो भी जैसे तैसे यहाँ पे बोलने की कोशिश करती है और कहती है, मून सिटी में गई थी, वो सिटी के कुछ अल्केमिस्ट यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे मारा और उन्होंने
बेसिकली वो स्पेस रिंग मुझसे चोरी कर लिया जिसमें सारा सामान रखती थी और जो आपने मुझे दिया था, इतना जैसे बोलती है। और उसके बाद बेहोश शायद हो जाती है, जिंदा है, मरी नहीं है, लेकिन चोट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग चुका है। तो शाओफेन जैसा सुनता ऑफकोर्स उसको गुस्सा आता है, गुस्से के मारे यहाँ पे आग बबूला हो जाता है और कहता है कि डोंट वरी माय डिसाइपल, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा भाई, तुम्हारे स्पेस रिंग वापस लगा दूंगा और जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया ना उसका बदला भी लूंगा। और उसके शाओफेन आराम से उनके साथ बदला लेने के लिए तैयारी में लग जाता है और कहता भाई मेरी डिसाइपल को इतना मार के उसका स्पेस रिंग चोरी करने को इतनी हिम्मत हो गई, लगता उनको मालूम नहीं हमारे बारे में, बहुत गेम खेलिया, बहुत मैंने सारी चीज़ें कर ली, अब उनकी जिंदगी के साथ खेलने का टाइम आ चुका है। उसके बाद सीन शुरू होता है दो आदमी की, और ये वही दोनों आदमी है जिन्होंने मार के उसका स्पेस रिंग यहाँ पे चोरी किया था। आपस में बातचीत करते हैं, ये कहता है कि यार हमने जितने भी आदमियों को लूटा ना उनके द्वारा जो भी सामान मिलता है बड़ा बेकार है, तो ये जो लड़की जो हमें मिली थी उसके द्वारा जो हमने सामान यहाँ पर लूटा ना भाई, आए हाई कितने सारे और कितने हाई क्वालिटी के सामान थे, लेकिन साली एंड टाइम पे बच के निकल गए, वरना उसको जहाँ से मार डालते वरना वो जाके अपने एल्डर्स को बता दे कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अपने दूसरे साथी से कहते हैं कि भाई सारा सामान चेक कर लो, उसके बाद ना 100 साल के लिए हम लोग रिट्रीट में चल जाएंगे ताकि कोई भी आके हमको बदला बदला यहाँ पे ले ना पाए। दूसरा कहता भाई डरता कहीं को भी, तेरा लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है, उसके सेट के यहाँ पे एल्डर्स लोग भी आ जाएंगे ना तो भी वो तेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। और अपना शाओफेन है ना उनको पता कर लेता उनको लोकेशन और कहता कि आ रहा हूँ, और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या बदला ले पाता है और लेता तो कैसे लेता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।